दोस्तों हमारी गाड़ी अभी हम आ गए हैं जुमराज धाम, काफी ही प्रसिद्ध जगह। बाबा की महिमा बहुत ही अपरंपार है और जो जो देख रहे होंगे जो बिहार और झारखंड के हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि जुमराज बाबा या जुमराज स्थान के बारे में नहीं जानता होगा या इनकी महिमा के बारे में नहीं जानता होगा। बहुत ही अद्भुत, अलंकृत और बाबा की जो महिमा है वो अपरंपार है। अभी हम कौन सा मंदिर है वो है ना, ये देखिए जुमराज स्थान, बटिया जंगल के बीच स्थित ये जुमराज स्थान। कहाँ लगाइए वहां तो गाड़ी जाएगा। सज्जक से और यहाँ पे कब कब पूजा होती है? सोमवार शुक्र बुध, सोमवार शुक्र बुध को बलि पड़ती है। वहाँ काफी दूर से भी लोग आते होंगे। अच्छा, बाबा के बारे में क्या कहानी है कुछ बताइए हम दोनों। बाबा एक ब्राह्मण थे। अच्छा, द्वार से जल भर के जा रहे थे। अच्छा। उसमें घना जंगल था, जंगल में बाहर खा गए। उसके बाद मुझे बाबा का समाधि और दर्शन का जो हुआ तो प्रवेश किया। दोस्तों ये जुमराज बाबा का मंदिर आप देख रहे हैं, कार्य बन रहा है और जहाँ पे बलि पड़ता है वो इलाका मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये पूरा मंदिर बहुत ही बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है और ये है बलि क्षेत्र। यहाँ पे ही इस रास्ते से लाया जाता है और यहाँ पे बलि दी जाती है ये पूरे इलाके में। ये इतना बड़ा इसलिए बनाया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बलि पड़ती है बाबा को। एक दिन में कितना, एक हज़ार से भी ऊपर बलि जाती है। मतलब आप सोच सकते हैं कि बाबा की महिमा कितने अपरंपार है। और ये जब आप पूजा करने के लिए आएंगे तो पूरा प्रसाद वगैरह यहाँ से जल चढ़ाया जाता है, पूरा वितरण है, सब कुछ मिलता है। ये आप इलाका देख सकते हैं। ये पूरी दुकान है, जब भीड़ लगती है तो यहाँ पे आपका ये अभी आप देख सकते हैं, ये लोग अभी बस नदी में स्नान करके बाबा को कष्टी देने के लिए जा रहे हैं और बाबा की पूजा करके ये आएंगे ये लोग। तो बाबा को कष्टी पूजा भी प्रचलित है और कष्टी पूजा से भी मनोकामना पूर्ण होती है।
बोलो जय बाबा जुमराज। और जो बलि देने आते हैं उन लोगों के लिए है, अभी दुर्गा पूजा के कारण नहीं है, तो यहाँ पे उनको ठहरने का भी प्रबंध है, बाकी सब रुकते हैं, सब कुछ है। ये देखिए चूल्हा वगैरह भी है, सब कुछ है, तो ये पूरा इलाका है। तो Yeah.